चलते हैं, जैसे जनाबाई हरि विट्ठल के आश्रित होकर चलती थी, तो हरि विट्ठल उनके साथ में काम करने के लिए आ जाते थे। झाड़ू लगाती जनाबाई, कचरा उठाते विट्ठल ना, कपड़े गलाती जनाबाई, धोआते विट्ठल ना, गेहूं रखती जनाबाई, पीस आते विट्ठल ना। और केवल यही काम नहीं करते थे विट्ठल ना, जनाबाई गाली भी दे देती थी तो सुनते थे विट्ठल ना। बोल दे कि नाम देव कहीं काका लागे, कर्मा बाई कहीं चाची जी, हम कहीं थारा दुश्मन लागे, मैं सुन ले महारा ठाकुर जी, हम तेरे दुश्मन है। इतना जन सेवा करे चक्र, कभी कभी तुम भी झगड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं होता, शंकर जी से तुम भी झगड़ सकते हो, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब जाओ तब तुम भी कह सकते हो इतने दिन हो गए सुनता क्यों नहीं है। क्यों नहीं सुनता? हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कौन सी कमी रह गई, कौन सी? शिव महापुराण की कथा कहती है क्रोध करो, मना नहीं, पर क्रोध में भी प्रेम झलकना चाहिए। जैसे जनाबाई क्रोध करती थी हरि विट्ठल में तो प्रेम झलकता था, जनाबाई अगर क्रोध करती थी हरि विट्ठल पर तो प्रेम झलकता था, इसलिए हरि विट्ठल उनके शब्द को सुनने के लिए आते थे, उनकी गाड़ी सुनने के लिए भी भगवान आ जाते थे। इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतना करुणता। हां, थोड़ा समय की देरी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में थोड़ा देरी से मिल, कभी कभी फाइल अगर मोटी होती है तो समय लगता है उसको सुलझाने में, कभी ध्यान रखो, पर भगवान जब भी देगा अच्छा देगा, श्रेष्ठ देगा, कम नहीं देगा, ढेरों में देगा, तुमसे बटोरा नहीं जाएगा, इतना देगा। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर।